एक्शन। अम्मी देखिए, हमें रोज रोज ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। आप समझती क्यों नहीं है कि जितना अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा है हमें सिर्फ उतना ही मिलेगा। तो फिर क्यों आप खामखा यही बात लेके रोज बैठ जाती है? हमारी शादी किसी गरीब घराने में हो या फिर किसी नहायत ही अमीर घराने में हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है अम्मी? फर्क तो हमें इस बात से पड़ता है कि हमारा होने वाला शौहर एक नहायत ही नेक इंसान हो, पांच वक्त का नमाजी हो, अपने कल्चर को अपने मजहब को समझता हो। आप जानती हैं इस दुनिया में कितने ही दौलतमंद इंसान हैं पर अपने मजहब को भूल चुके हैं, वेस्टर्नाइज कल्चर को अपनाते हैं। और ऐसे दौलतमंद इंसान का क्या फायदा अम्मी जो आपकी बेटी से प्यार ही ना करता हो, जो शराबी हो? ऐसा इंसान क्या तालीम देगा अपनी औलाद को? बस अम्मी आप तो अल्लाह से यही दुआ करिएगा कि आपका होने वाला दामाद एक नहायत ही मजहबी और नेक इंसान हो। और फिर दौलत का क्या है अम्मी? खुदा तो मेहरबान होता है अपनी नेक बंदों पर, अपने नेक बंदों को हमेशा दौलत बख्शता है खुदा। बस आप ये दुआ करिएगा अम्मी।